हम इंस्पेक्टर हैं, वो तो बता रहे हैं जो कानून में लिखा है। साइड में हो जाना इधर से। अरे इधर आ जाओ, साइड में हो जाओ। कोई नहीं चलता, कोई नहीं चलता, तुम्हारे यहाँ चलता होगा। ये उत्तर प्रदेश है, पूरा देश ये उत्तर प्रदेश है। 80 सीट है यहाँ पर, यही राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। यहाँ की पुलिस भी अलग है, यहाँ का माहौल भी अलग है। यहाँ ये कुछ नहीं होता, यहाँ तो कानून निजात का। हमारे यहाँ की पुलिस तो हमारे यहाँ होमगार्ड। दोस्तों, ये 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसएससी जीडी 2018 की जो परीक्षा है वो क्लियर की थी, ऐसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं। इनका मेडिकल भी हुआ और ये हर तरीके से फिट भी पाए गए, लेकिन इनको आज तक जो है ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इसको लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं और महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट करी थी। गांधी जी की जो दांडी मार्च थी उससे भी कहीं ज़्यादा लंबी पैदल यात्रा ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे भी करने के लिए बिल्कुल डिटरमिंड हैं। और इनकी बस एक ही डिमांड है कि जब वैकेंसी हैं तो इन्हें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है। ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए, इन्होंने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। और इनको बताया गया है कि आप अगली भर्ती में आपको कुछ रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, है ना, कुछ प्रायोरिटी दी जाएंगी, लेकिन ये लोग उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि कई स्टूडेंट्स ओवर एज हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो यूपी के दरोगा जी हैं वो इन्हें बता रहे हैं कि होमगार्ड, यूपी का होमगार्ड और बाकी स्टेट की पुलिस बराबर होती है। अरे भैया, तो इनको तो नहीं मालूम ना होमगार्ड, पीआरडी और पुलिस में क्या डिफरेंस होता है। इनके लिए तो वर्दी वाला आदमी, हर वर्दी वाला आदमी पुलिस वाला होता है। तो इनकी तरफ थोड़ा सा सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। और अगर इनके पॉइंट्स ठीक हैं तो गवर्नमेंट को इनकी बात पर सीरियसली गौर करना चाहिए कि अगर इन्होंने एग्ज़ाम की सारी स्टेजेस को क्वालिफाई किया है तो ज्वाइनिंग ना दिए जाने का मतलब क्या है। ये तो फिर लॉलेसनेस और अराजकता की बात हो जाएगी। तो इन सब लोगों के स्ट्रगल के लिए एक लाइक तो बनता है। और आप सब लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ये लोग जो डिस्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, आप उनकी परेशानी देखते हुए इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।